सिलकान जी, ये भी कहा जा रहा है कि अशरफ गनी जब वहां से निकले, हालांकि ये तालिबान की तरफ से आया स्टेटमेंट है, 51 लाख डॉलर वो वहां पर छोड़कर भागे हैं, वो इससे ज्यादा या कम भी रकम हो सकती है, लेकिन हेलीपैड पर छूटी हुई रकम थी। मतलब क्या वहां पर इन लोगों का पूरा ध्यान अपनी जेबें भरने की तरफ था? देखिए, ये सब तो अब ये किससे आते रहेंगे, जब एक समझ लीजिए वॉर होता है और उसके बाद हार जीत होती है, तो उसके बाद कई दिनों तक और हफ्तों तक ये कहानियां चलेंगी। पर इन पे हमें ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए कि जो स्थिति है वो किस लिए है, कैसी आई है, उसका क्या हो रहा है। तो आगे की स्थिति आप देखिए कि एक अमेरिका है, वो चुपचाप बैठा है, वो कुछ नहीं कह रहा है इन सब चीजों के लिए, और सिर्फ ये जो कुछ वो कह रहा है वो ये लोग नहीं मान रहे हैं। दूसरा, जो दूसरे मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, चाइना है, रशिया है, वो तालिबान का खैर मकदम करने को तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में तालिबान जो है वो नाटक पूरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम शांति चाहते हैं, हम किसी को हानि नहीं करेंगे, और जो कुछ हो रहा है वो तो जो अपराध कर रहे हैं उनका हो रहा है, सब जो तोड़फोड़ कर रहे हैं उनका हो रहा है, हम उनको उनसे बचाना चाहते हैं। तो ये तो जो भी सरकार वहां काबिज होगी फोर्स के बल पे, उसकी डबल टॉक चलेगी, जो मनचाहे लोग हैं उनको मारे, जिनको मारना है उनको मारेगी, और जिनको नहीं मारना उनको कहेगी ठीक है हम उनके लिए शांति बहाली कर रहे हैं। तो ये चलता रहेगा। अब इसी तालिबान पर जो विश्वास करते हैं विश्वास करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, पर जो बन रहा है समा, उसका लग रहा है कि तालिबान के खिलाफ जो मीडिया चल रहा है वो भी कुछ सपोर्टिव चल रहा है। आपका चैनल अकेला है जो इस बात को पूरा बता रहा है कि कैसे ये पूरा 21 साल में धोखा हुआ और ये फरेब हुआ। बट अब आप देखिए, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन में टीवी चैनल्स का रुख बदल रहा है, खासकर विदेशी चैनल्स का। तो अब ऐसी स्थिति में तालिबान वहां हैं, उनका वहां हक है। जो कल तक उसके साथ थे, गनी के साथ, अब्दुल्ला और उनके सलाहकार, और अब वो हिकमतयार मिल गए हैं, तो इन लोगों ने काउंसिल बना ली है। लेकिन ये सवाल इसलिए अपनी जगह पर है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रैम्पेंट करप्शन था वहां पर। लोगों को ये लगने लगा था कि ये जो सरकार है ये थोपी हुई है और उनके लिए तो शायद तालिबान ही उनके 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 हाकिम और हाफिज हो सकते हैं। क्या ये बात सच है? करप्शन ने हालात यहां तक ला दिए थे क्या? ये मैं आपसे समझूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।